में तृतीय मतदान अधिकारी के लिए सहायक कर्मचारियों के रूप में महिला कर्मचारी जिम्मा संभालेंगे। पुरुष अधिकारी की कमी का सामना कर रहे विभाग की अगर हम बात करें तो इस बारे में जिला निर्वाचन अधिकारियों ने सीईओ आनंद कुमार को पत्र लिखा तो उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि सहायक कर्मी के रूप में महिला कर्मचारी की भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। इसके अलावा चुनावी ट्रेनिंग को लेकर भी निर्वाचन विभाग ने पूरे शेड्यूल को तैयार कर लिया है। निर्वाचन प्रक्रिया में तृतीय मतदान अधिकारी के लिए सहायक कर्मचारियों के रूप में अब महिला कर्मचारी जिम्मा संभालेंगी। निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार की तरफ से सभी जिला कलेक्टर को निर्देशित किया गया है। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान दलों के गठन के साथ ये फैसला तृतीय मतदान अधिकारी के लिए पुरुष कर्मचारियों की कमी की वजह से लिया गया है। प्रशिक्षण जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर आयोजित हो चुके हैं, कुछ जो प्रशिक्षण बाकी है उनका हमने टेंटेटिव इंडिकेटिव कार्यक्रम जारी किया है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर्स के द्वारा जो हमने सीमा दी है उसके अंदर इस कार्यक्रम को किया जाना है। तृतीय मतदान कर्मियों के लिए सहायक कर्मचारियों के रूप में महिला कर्मचारियों की तैनाती के अलावा जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से सीईओ के सामने कुछ और मांग भी रखी गयी। जिला निर्वाचन अधिकारी चुरू ने वाणिज्य कर अधिकारियों की सेवा लेने की मांग की, जिस पर सीईओ ने उन्हें नियुक्ति किए जा सकने की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि कमी महसूस होने पर स्थानीय निकाय और पंचायती राज का नियमित स्टाफ भी काम में लिया जा सकता है, लेकिन संविदा कर्मचारियों को नियुक्त नहीं करने का निर्देश भी दिया है। तृतीय मतदान अधिकारी के लिए सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय वरिष्ठता क्रम के अनुसार ही नियुक्ति किए जाने का निर्देश भी दिया गया। जो कुछ कंटेंट वगैरह तैयार करने में समय लग रहा था इसलिए कुछ चीज में संशोधन किया है, बाकी हमने जिला कलेक्टर्स पे छोड़ा कि आउटर लिमिट है जिससे पहले ट्रेनिंग कर जानी चाहिए और कलेक्टर्स इससे पहले भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि दीपावली और परीक्षाओं के कारण मतदान दलों का व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम अब 24 अक्टूबर के बजाय 10 नवंबर से शुरू होगा। इस संशोधित कार्यक्रम को जारी करते हुए आनंद कुमार ने जिला कलेक्टर से उनके जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थिति की जानकारी भी मांगी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं मतदान दल के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या रहने वाला है। मतदान कर्मियों का पहला प्रशिक्षण अब 10 नवंबर से होगा, जबकि दूसरा प्रशिक्षण 27 नवंबर से शुरू होगा। तीसरा प्रशिक्षण 5 से 6 दिसंबर तक होगा। इसी तरह माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रशिक्षण 30 नवंबर तक, बीएलओ स्टाफ हेल्प डेस्क के लिए प्रशिक्षण 3 दिसंबर को होगा। की राजनीतिक दलों की ईवीएम के मामले में 15 नवंबर को ट्रेनिंग होगी और खाते से जुड़ी ट्रेनिंग 31 नवंबर को होगी। तो इस संशोधित कार्यक्रम को जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेज दिया गया है। देखना यह होगा कि और किस तरह की चुनौतियां राजस्थान के चुनाव में निर्वाचन विभाग के सामने अभी आने वाली हैं। भरत राज, जी मीडिया, जयपुर।